सब्सक्राइब करें टुडे न्यूज 24x7 को और दबाए इस बेल आइकन को। इंडियन प्रीमियर लीग की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के स्टार स्पिनर सुनील नरेन इन दिनों अपने संदिग्ध बॉलिंग एक्शन की वजह से फिर खबरों में हैं। नरेन इन दिनों पाकिस्तान सुपर लीग में खेल रहे हैं। टूर्नामेंट के उनके बॉलिंग एक्शन को संदिग्ध पाने के बाद उन्हें वार्निंग लिस्ट में डाल दिया गया है, जिसके बाद एक बार फिर उनके IPL में खेलने को लेकर सवाल उठने लगे हैं। IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने टूर्नामेंट के नए सीजन के लिए 29 साल के वेस्ट इंडीज के स्टार स्पिनर पर 12.5 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। बता दें कि नरेन उन दो क्रिकेटर्स में शामिल हैं जिन्हें KKR ने इस सीजन के लिए रिटर्न किया था। नरेन के अलावा इस लिस्ट में वेस्ट इंडीज के ही ऑल राउंडर आंद्रे रसेल का नाम है। पिछले IPL में सुनील 3.55 करोड़ की ऊंची कीमत पर बिके थे। सुनील को साल 2013 में KKR ने खरीदा था। IPL में 12.5 करोड़ रुपए पाने वाला ये प्लेयर अपनी क्रिकेट परफॉर्मेंस से ज्यादा अपनी सादगी भरी जिंदगी के लिए जाना जाता है। सुनील आज भी दो कमरों वाले छोटे से मकान में रहते हैं जो उनके पिता ने कई सालों पहले खरीदा था। सुनील का जन्म त्रिनिदाद टोबैगो के अरिमा में 26 मई 1988 को एक रेस्तरां की टैक्सी ड्राइवर शादी नरेन के घर में हुआ। पिता ने सुनील नाम इसलिए दिया क्योंकि वे महान भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर के फैन थे। गावस्कर के प्रति इतनी ज्यादा दीवानगी कि बेटी का नाम भी सुनील ही रखना चाहते थे, लेकिन माँ क्रिस्टीना को ये पसंद नहीं आया। जब गावस्कर वेस्ट इंडीज में क्रिकेट खेलते थे तो शादी अपने देश को सपोर्ट करने की बजाय भारतीय बैट्समैन को चीयर करते थे। पिता ने ही सुनील के अंदर छिपी क्रिकेट की रुचि को पहचाना और 7 साल की उम्र में क्रिकेट की ट्रेनिंग शुरू हो गई। नरेन के सुपरस्टार क्रिकेटर बनने के बाद भी पिता रेस्तरां के लिए काम करते थे। नरेन ने 2013 में नंदिता कुमार से इंडियन स्टाइल में शादी की थी। ऑफ स्पिनर सुनील नरेन ने IPL में अब तक 82 मैचों में 95 विकेट लिए हैं। वे कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के सबसे सफल बॉलर हैं। IPL हिस्ट्री में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में सुनील ओवरऑल 11वें नंबर पर हैं।